तंत्रिका विज्ञान की जटिल दुनिया में हमारा मस्तिष्क एक गतिशील उत्कृष्ट कृति के रूप में उभरता है। आज हम न्यूरोप्लास्टिसिटी के दायरे में उतरते हैं, जहां सीखना हमारे मस्तिष्क को उन तरीकों से बदल देता है जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तंत्रिका विज्ञान में अग्रणी डॉक्टर लारा बॉयड से मिले। डॉक्टर बॉयड, सीखना एक रैखिक पथ नहीं है, बल्कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं, संरचनात्मक बदलावों और कार्यात्मक अनुकूलन की एक सिम्फनी है। सिम्फनी न्यूरोप्लास्टिसिटी के तीन तंत्रों द्वारा निर्देशित होती है। सबसे पहले एक रासायनिक नृत्य होता है जो अल्पकालिक स्मृति और मोटर कौशल को बढ़ाता है। दूसरा, सीखने के दौरान हमारे मस्तिष्क की संरचना शारीरिक रूप से बदलती है, जो दीर्घकालिक सुधारों से जुड़ी होती है। तीसरा, कार्य बदल जाते हैं, क्षेत्र अधिक सक्रिय हो जाते हैं, जिससे नए नेटवर्क बनते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक समान नहीं है। उपचारों और उपचारों को तैयार करने में, विशेष रूप से स्ट्रोक से उभरने में, व्यक्तिगत अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बॉयड्स का शोध व्यक्तिकृत दृष्टिकोण चाहता है। बायोमार्कर इस खोज का मार्गदर्शन करते हैं, न्यूरोप्लास्टिक परिवर्तनों की भविष्यवाणी करते हैं और उपचारों में क्रांतिकारी बदलाव लाते हैं। मस्तिष्क की विशिष्टता चिकित्सा और सीखने में एक आदर्श बदलाव को प्रेरित करती है। व्यवहार परिवर्तन का उत्प्रेरक है। स्वस्थ व्यवहार स्थायी परिवर्तन को बढ़ावा देता है, हानिकारक का प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। वैयक्तिकृत चिकित्सा उभरती है, जहां बायोमार्कर को समझने से इष्टतम परिणामों के लिए अनुरूप उपचारों की शुरुआत होती है। जैसे ही हम निष्कर्ष निकालते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी द्वारा प्रस्तुत गहन अवसर को समझें। हमारा दिमाग कार्यों और अनुभवों से आकार लेने वाला कैनवास हमें असाधारण निर्माण करने के लिए आमंत्रित करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के चमत्कारों की इस खोज में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आज आप जिस दिमाग के साथ निकलेंगे, वह पहले जैसा नहीं होगा। यह एक सतत उत्कृष्ट कृति है जो स्वस्थ व्यवहार और सीखने के प्रति प्रतिबद्धता के साथ चित्रित होने की प्रतीक्षा कर रही है। अवसर आपका है। उस मस्तिष्क का निर्माण करें जिसका आप सपना देखते हैं।